शिवम मिश्रा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने सिक्स वीक गेनिंग नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे मैंने सिक्स वीक में अपने आप को चेंज कराया, अपना वेट गेन कराया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो को। I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 6 हफ्तों में ही मेरा इतना ज़्यादा वेट गेन, मसल गेन होने का रीज़न क्या था कि मैं बहुत पहले से ट्रेन कर रहा था, पिछले 3 सालों से ट्रेनिंग कर रहा था और मेरी डाइट भी अच्छी थी। बट लॉकडाउन की वजह से कुछ दिनों तक मेरा वर्कआउट छूटा था। उस टाइम मेरा बेस्ट फॉर्म था कि मैं मतलब 65-66 kg का था और मेरा अच्छा खासा फॉर्म था। तो उस टाइम पे लॉकडाउन जब हुआ तो मेरा वर्कआउट 2-3 महीने के लिए स्किप हुआ। उसके बाद से मेरा वेट हो गया था 63 और बॉडी जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बॉडी काफ़ी ढीली पड़ चुकी थी। स्ट्रेंथ भी मेरी जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा तो स्ट्रेंथ लूज नहीं हुआ था बट फिर भी अच्छा खासा वेट मैं नहीं लिफ्ट कर पा रहा था। तो फिर मैं डेली इंस्टा पे अपडेट करता था। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया तो फॉलो कर लें क्योंकि मैं वहाँ पे डेली अपडेट करता हूँ कि मतलब क्या डाइट ले रहा हूँ या फिर क्या वर्कआउट प्लान चल रही है। तो मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन में मेरी डाइट क्या थी, मेरी वर्कआउट क्या थी, इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप पहले देखो कि मेरे 6 हफ्ते पहले की ये कंडीशन थी और 6 हफ्तों में, और जो मेन चीज़ है इसमें ये है कि पिछले 3 महीनों से मतलब कि मेरा सप्लीमेंट स्टैक कंपटीशन नहीं आया हुआ है। तो मैंने मतलब मेरा फोकस था डाइट पे, तो डाइट पे तो मैं 100% अपना दे रहा था, मतलब जितना मेरे को डाइट देना था उसमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने हर जगह। लेकिन इतने दिनों में मेरे से सप्लीमेंट स्किप हो गया, मैंने कोई भी सप्लीमेंट यूज नहीं करा। मतलब मल्टीविटामिन और फेस वॉश हमेशा लेता हूँ तो वो ले रहा था, उसके अलावा ना मैं कोई वे प्रोटीन ले रहा था। तो अगर आपको ये लगता है कि बिना सप्लीमेंट के, इसके पहले मैं रेगुलर लेता था, जब मेरा वेट 66 kg के आसपास था तो मैं रेगुलर ले रहा था, सप्लीमेंट हर महीने लेता था मैं। बट अभी मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने ट्राई किया है, मैं ट्राई करता रहता हूँ हर चीज़। तो इसमें मैंने ट्राई किया कि मतलब बिना सप्लीमेंट्स के हो पाते हैं या नहीं गेन। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सप्लीमेंट ठीक है, अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं इस हफ्ते से अब ऐड करूँगा, क्योंकि अगले हफ्ते से मैं अब थोड़ा सा वेट लूज करूँगा क्योंकि बॉडी फैट परसेंट थोड़ा सा ही गेन हुआ है। अभी भी बॉडी की फॉर्म काफ़ी अच्छी है, आप देख पा रहे हो। तो अगले हफ्ते से मैं सप्लीमेंट ऐड करूँगा। तो अगर आपको ये लगता है कि विदाउट सप्लीमेंट आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो, तो मैं तो इतने कम टाइम में कर सकता हूँ। तो अगर आपकी फॉर्म सही है, आपके पास अगर मतलब इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि कैसे करना है तो ठीक है, वरना आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और मैं सब चीज़ पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि मतलब वेट कैसे गेन करना है, क्योंकि वेट गेन करने के टाइम में, मसल गेन करने के टाइम में आप बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करते हो कि उल्टा आपका मसल लॉस होता चला जाता है आपका। मतलब आप बहुत सालों से जिम कर रहे हो या फिर बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, उसका यही रीज़न होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट करते हो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं और अपने रेस्ट पीरियड को बढ़ाया है, तो उस वजह से मेरा वेट मतलब काफ़ी हद तक बढ़ा है। 6 हफ्तों में लगभग 9 किलो से 10 किलो तक मेरा वेट बढ़ा है और मैं अगले हफ्ते से कटिंग शुरू करूँगा। तो हो सकता है कि 2-3 kg वेट कम हो लेकिन अच्छा खासा मसल मास बिल्ड हो चुका है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें अगर आपको आई थी इन्फॉर्मेशन चाहिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और वीडियो अगर अच्छी लगती है मेरी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर व्यूज़ बढ़ेंगे धीरे धीरे, सही ऑडियंस तो बढ़ रही है, व्यूज़ भी अच्छे खासे बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और आगे मैं जिम में भी वीडियो शूट करने वाला हूँ, अभी इस बॉडी की कंडीशन में मैं नहीं कर पाया क्योंकि अभी जिम में मैं जा रहा था बट वर्कआउट कर रहा था अकेले, बट वहाँ पे शूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं जिम में शूट नहीं कर पा रहा था। तो अगली वीडियो से मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो और अपने ट्रांसफॉर्मेशन की फुल वीडियो, जो मैंने पहले भी वीडियो कुछ बनाई हुई है और अभी की, तो उसको कंबाइन करके मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा। तो उन सारी वीडियोस के लिए और डाइट के वीडियोस और वर्कआउट के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।